हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है टीएस ग्रेवाल की बुक से, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जिसमें अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें आपको कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया होता है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस। बस आपको पूरे बीआरएस में यही ध्यान रखना होता है कि बैलेंस कौन सा दिया और आपको किसको देख के अपना बैलेंस इक्वल करना है। जैसे कैश बुक का दिया है तो आपको पासबुक का देख कर चलना है। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, स्क्रीन पर देखते हैं। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन 31 मार्च, स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस जब कैश बुक का होता है तो वो पॉजिटिव होता है, तो हम पॉजिटिव वाले कॉलम से हम स्टार्ट करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल बी शोन इन बीआरएस बाय एडिंग और सब्ट्रैक्ट। बस आपको ये बताना है कि ये वाली जितनी भी आपकी इक्वेशंस दी हैं, कब प्लस, कौन सी प्लस होगी और कौन सी माइनस होगी। नंबर वन, बैंक, मैंने वैसे नोट डाउन कर दी है सारी। बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड अकाउंट बाय 15,000 ऑन 1 मार्च एंड वॉज रिवर्स्ड ऑन 3 अप्रैल। नंबर टू, रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय 5,000। नंबर थ्री, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट बाय 500। रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाय 10,000। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाय 10,000। चेक 5,000 वॉज इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक 20,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक कलेक्टेड द चेक एंड क्रेडिटेड द अकाउंट। देखो, हमें सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन रीड किया था, हमें सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्लस और माइनस बताना है कि जैसे ये सारी क्वेश्चन है प्लस होंगी या फिर माइनस होंगी। तो सबसे पहली बात कि आपको सबसे ऊपर दिया था कि आपको अमाउंट नहीं दिया था, आपको ये बोला था कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। देखो, सिंपल सी चीज है, आप पहले बैलेंस, आपको पता होना चाहिए कि जो बैलेंस होते हैं ना, देखो कैश बुक, ये पता होगा तो आप इजिली कर पाते हो, कैश बुक और पासबुक, इन दोनों के ना दोनों बैलेंस होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। कैशबुक का डेबिट का मतलब होता है फेवरेबल बैलेंस और क्रेडिट का मतलब होता है अनफेवरेबल। अब इसका डेबिट और इसका क्रेडिट अपोजिट होते हैं कैशबुक से। तो देखो, कैशबुक के डेबिट का मतलब प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस, ये इसके पासबुक इसका अपोजिट होता है। कैशबुक का डेबिट अगर प्लस है तो इसका कौन सा प्लस होगा, क्रेडिट वाला। इसका क्रेडिट माइनस है तो इसका कौन सा होगा डेबिट। जब भी बीआरएस का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप नीचे वर्किंग नोट में ऐसे चार्ट बनाओगे तो इजिली क्वेश्चन कर पाओगे। अब नंबर वन, अब जिसका बैलेंस दिया है आपको, किसका बैलेंस दिया है, कैश बुक का, तो हमें किसको देख के चलना है एवरी ट्रांजेक्शन में, पासबुक को। मतलब हमें जो हमारा टोटल होगा वो पासबुक के इक्वल करना है आपको। नंबर वन, बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड 15,000 ऑन 1 मार्च, और कौन से मंथ की आपकी, 31 मार्च तक, मार्च तक की वैलिड होती है। उसके बाद की अगर डेट होती है ना अगर कोई भी, तो वो इनवैलिड होती है, जीरो हो जाता है। आपने बैंक ने क्या किया, बैंक का मतलब पासबुक। हर ट्रांजेक्शन में हम करके देखेंगे, देखो ये कैश बुक, ये पासबुक, हमें इसको देख के चलना है। बैंक का मतलब पासबुक, ये बैंक है। बैंक ने क्या किया, क्रेडिट। बैंक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस। इसमें यहाँ पर क्या हो रखा है, 15,000 प्लस हो रखे हैं, 1 मार्च को है। बट रिवर्स, रिवर्स का मतलब आपने करेक्शन कब करी है, 3 अप्रैल को किया है, ठीक है। मतलब क्या है, 31 मार्च तक तो यहाँ पर प्लस ही था, हमने इसको रिवर्स कब किया, 3 अप्रैल को, वो तो जीरो हो गया। तो 1 मार्च तक तो आप, 31 मार्च को यहाँ पर कितना है टोटल, कितना है यहाँ पे पॉजिटिव का, 15 है। हमें भी इसके जैसा बैलेंस करना है, सेम। हमारे यहाँ पे कोई अमाउंट प्लस माइनस नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम 15,000 प्लस करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट वाली कौन सी इक्वेशन में जाएगी, यहाँ पे हो जाएंगे ये वाले प्लस 15,000, क्लियर है, यहाँ पर नहीं जाएगा। पहली इक्वेशन कहाँ जाएगी, कैश बुक विल बी एडेड बाय 15,000। नेक्स्ट में आ जाते हैं, रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक। रिसीप्ट साइड कौन सी होती है कैश बुक में, जहां पर पैसा प्लस होता है, पासबुक, कैश बुक। हर इक्वेशन में मैं आपको करके दिखाऊंगी। रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज ज्यादा हो रखी है। अगर कोई चीज ज्यादा है तो आप उसको क्या कर दोगे, कम कर दो, डाउन कर दो। आपने अगर कोई चीज ज्यादा क्या कर रखी है, इसका मतलब ज्यादा आपने क्या कर रखा है, आपने किसी को ज्यादा प्लस कर रखा है। अगर कोई ज्यादा प्लस है तो उसको अगर मुझे उल्टा करना है, अपोजिट करना है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी तो वो बैलेंस बनेगा। अगर आपने कोई चीज, रिसीप्ट साइड का मतलब क्या होता है, प्लस, आपने ज्यादा प्लस कर रखा है उसको क्या कर दो, कम कर दो, तो ये कौन से कॉलम में जाएगा, माइनस वाले कॉलम में जाएगा, ये कौन से वाले कॉलम में जाएगा, माइनस। नेक्स्ट आ जाओ, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। पेमेंट का मतलब पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है। अब देखो, पैसा जा रहा है मतलब माइनस, माइनस, पेमेंट का मतलब पैसा गोइंग, माइनस।
पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट माइनस क्या हो रखा है, ज्यादा हो रखा है, इसको क्या कर दो। इसको करेक्शन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। अगर आपने कोई चीज ओवर कर रखी है तो उसको क्या करोगे, कम कर दो। अब कम करने के लिए वो क्या हो जाएगा, उल्टा करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज कहाँ जाएगी, प्लस वाले कॉलम में जाएगी। नेक्स्ट वाली आ जाओ, रिसीप्ट साइड ऑफ कैश बुक। रिसीप्ट साइड का मतलब पैसा प्लस, रिसीप्ट साइड मतलब प्लस जो है वो क्या हो रखा है, कम हो रखी है। अगर कोई चीज क्या है, कम है, आपने कम प्लस कर रखा है, तो उसको क्या कर दो, बढ़ा दो और प्लस कर दो। अगर कोई चीज आपकी कम है, आपने कम प्लस कर रखा है, तो उसको और प्लस कर दो। उसको क्या कर दो, और प्लस कर दो, मतलब बढ़ा दो। तो ये चीज कहाँ जाएगी, प्लस वाले कॉलम में। ऐसे ही नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। पेमेंट का मतलब माइनस, पेमेंट का मतलब माइनस। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक कम है, आपने क्या कर रखा है, कम माइनस कर रखा है, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा, ओवर करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा। तो मुझे और, अगर कोई चीज देखो कम होती है ना, तो उसको सेम और बढ़ा दो। अगर कोई चीज आपने कम माइनस कर रखे तो उसको और माइनस कर दो। अगर कोई चीज ज्यादा हो रखी है तो उसको उल्टा कर दो साइन को। सेम चीजें है, अंडर है तो सेम होता है, ठीक है, माइनस है तो और माइनस हो जाएगा, अगर ओवर है तो साइन अपोजिट हो जाते हैं, तो आप उसको और माइनस कर दो। ये कौन से कॉलम में जाएगा, माइनस वाले में। नेक्स्ट है चेक इशूड। इशूड का मतलब होता है कि आपने पेमेंट कर दी, चेक इशूड आपने इशू किया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। हमें जब चेक आपने इशू करना था ना, तो यहाँ पे क्या करना था, माइनस करना था। इसका मतलब यहाँ पर ये चीज क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है, पासबुक में से कट चुके हैं, लेकिन आपने यहाँ पर नहीं किया। तो जो चीज यहाँ पर है, हमें बैलेंस सेम करना होता है, यहाँ पे माइनस हो रखा है, तो हम भी क्या कर देंगे, -5000 कर देंगे। तो बस ये वाले कौन से कॉलम में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिट। चेक डिपॉजिट का मतलब प्लस, आपने क्या करना था, प्लस करना था यहाँ पे, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब यहाँ पर प्लस नहीं हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हो चुके हैं, यहाँ पर हुए हुए हैं, तो हमें सेम अमाउंट करना है, हमें सेम बैलेंस मिलाना है 20,000। तो मुझे सेम करने के लिए मुझे भी क्या करना पड़ेगा, 20,000 को प्लस करना पड़ेगा। तो बस हमें इसका बैलेंस नहीं मिलाना था इस क्वेश्चन में, आपको सारी एंट्रीज को ये बताना था कौन सी चीज प्लस में जाएगी, कौन सी चीज माइनस में जाएगी। अब आप इसको रिटर्न में लिख सकते हो, जैसे फर्स्ट वाला था बैंक रोंगलिस में क्या किया हमने, प्लस किया, तो कैश इट विल दिस अमाउंट विल बी एडेड इन कैश बुक, दिस विल बी एडेड सब्ट्रैक्टेड इन कैश बुक। जो चीज ऐड करी है उसको आप रिटर्न में लिख दो एडेड, और जो चीज माइनस करी है उसको लिख दो सब्ट्रैक्टेड।